सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रत्यतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणार्थं त्रैलोक्येप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं मृतवरवपु शीतया ह्यो सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंदो मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्री स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम शिया राम, शिया राम जय जय राम। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम शिया राम, शिया राम जय जय राम, राम हो मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान किया सिया राम सिया राम जय जय राम हो ताके जुगपद कमल मनावो जाशु कृपा निर्मल मति पावरा सिया राम सिया राम जय जय राम राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन जाय राम सिया राम जय जय राम राम हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग
जग पानी सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हमने पिछली बार चर्चा की थी केवट प्रसंग की। भगवान श्री राम केवट पर कृपा करके भगवान राम ने माँ गंगा में स्नान किया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायहु माथा। देखिए भगवान श्री राम स्वयं गंगा में स्नान करते हैं। आप सोचिए जिनके चरण से गंगा बहती है वही भगवान राम गंगा में स्नान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और यहाँ कहते हैं कि माँ सीता गंगा को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करती है? सिया सुर सरी कहे हु कर जोरी, सिया सुर सरी कहे हु कर जोरी, माँ तु मनोरथ पूरव मोरी, माँ तु मनोरथ पूरव मोरी, सिय सुर सरी कहेउ कर जोरी, सिय सुर सरी कहि कर जोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी, सिय सुर सरी कहेउ कर जोरी, सिय सुर सरी कहेउ कर जोरी। माँ सीता दो हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रार्थना करते, सिय सुर सर ही करेउ कर जोरी, माँ तू मनोरथ पूरव ही मोरी, मेरी मनोरथ मेरी इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए। क्या इच्छा है? पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी। 14 साल के बाद मैं अपने पति और देवर के साथ कुशलता के साथ यहाँ फिर आऊँ और तुम्हारी पूजा करूँ। यहाँ देखिए माँ सीता गंगा को प्रार्थना करती है। जैसे हम देखते हैं माँ शारदा देवी को गंगा बहुत प्रिय थी, वो रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते थे जब वो बाग बाजार रहते थे, और वहाँ जयराम वाटी में जो उनका आमोदर नदी थी उनको भी गंगा कहती, ये मेरी गंगा है। ये देखिए माँ शारदा देवी इतनी पवित्रता स्वरूपिणी थी, ये माँ सीता भी वही है। ताके जुगपद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति हो, उनके चरण में आश्रय लेने से ताके जुगपद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ, उनकी कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र होगी, शुद्ध बुद्धि होगी। ठाकुर जी वचनामृत में कहते हैं कि भगवान शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर है। देखिए वैसे ईश्वर को अगोचर कहते हैं, ईश्वर कैसे जाना मुश्किल, लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है मन शुद्ध हो जाता है तब क्या होता है भगवान हमारे गोचर हो जाते। देखिए माँ सीता के तो आमोदर मेरी गंगा है। बात यह है कि जब माँ शारदा देवी कहती आमोदर मेरी गंगा है, यहाँ सीता माँ गंगा को प्रार्थना करती है। आमोदर गंगा का मतलब यह है कि सचमुच जब माँ शारदा देवी आमोदर नदी में चरण रखती है ना गंगा बन जाती है। देखिए इतनी पवित्रता माँ में। एक हमारे जो पुराने सन्यासी थे बहुत बढ़िया बात कहते थे, हमारे जो दक्षिणेश्वर में माँ शारदा देवी का मंदिर है ना वो गंगा की ओर उनका मुंह है। तो एक प्रवीण सन्यासी ने एक दूसरे
ब्रह्मचारी को पूछा कर, तुमको पता है माँ का मुंह क्यों गंगा क्यों? हाँ, माँ गंगा को बहुत प्यार करती थी, इसलिए माँ का मुंह गंगा की ओर है। अरे ऐसी बात, माँ का मुख गंगा की ओर इसीलिए है, ये तो गंगा सबका पाप धोते धोते अपवित्र होती, माँ की दृष्टि से गंगा पवित्र हो जाती। आप सोचिए, माँ की शक्ति देखिए, उनकी दृष्टि से गंगा पवित्र होती है। यहाँ कहते कि माँ सीता गंगा को प्रार्थना, देखिए ये सब भगवान श्री राम कृष्ण माँ शारदा देवी भगवान राम सीता ये सब हमको सिखाने के लिए आते हैं। श्री राम कृष्ण कहते गंगा है ना, गंगा ब्रह्मवारी कहते, गंगावारी ब्रह्म कहते, गंगा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी तीन बात बताते थे, एक है गंगा जल, एक है वृंदावन की रज, और तीसरी जगन्नाथ का महाप्रसाद। ये तीनों वस्तु को ब्रह्म समान, भगवान और तीनों में कोई अंतर नहीं, ठाकुर जी कहते थे। ठाकुर जी जो जगन्नाथ का महाप्रसाद होता है ना, वो रोज खाते थे, वो जो चावल रहता है सूखा चावल, और विवेकानंद जी को खिलाते थे, नरेन अरे नरेन खा, अरे ये क्या, ये सब कितने दिनों से पुराना रचा, अरे खाना, भक्ति होगी। देखिए ठाकुर कहते कि जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने से भक्ति होती, और जगन्नाथ का महाप्रसाद झूठा नहीं होता। कोई भी एक ही पत्तल में सब लोग खा सकते हैं, वहाँ कहते हैं कि भंगी भी खाएगा, ब्राह्मण भी खाएगा, सब लोग एक पत्तल में, वो झूठा कभी होगा नहीं, सब लोग एक साथ खा सकते। जैसे एक श्री रामकृष्ण भागवतम संस्कृत में एक पंडित जी ने लिखा है, उसमें एक ठाकुर जी जब बचपन में एक कहानी, उसमें ठाकुर जी बचपन में छोटे थे तो कामारपुकुर में पंडितों की सभा हुई थी। देखिए लीला प्रसंग में है, पंडितों की सभा हुई थी और उसके प्रश्न का ठाकुर निराकरण किया, लेकिन क्या प्रश्न था क्या निराकरण किया वो लीला प्रसंग में साधन नहीं लिखा, लेकिन श्री रामकृष्ण भागवतम है संस्कृत, उसमें लिखा है, मैंने सुना है कि उसमें लिखा है कि कहते कि पंडित लोग चर्चा कर रहे थे, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने आके कहा कि मुझे पेट में बहुत शूल वेदना, बहुत वेदना हो रही थी, तो मैंने भगवान शिव के पास हत्या दी। हत्या का मतलब क्या है, ना कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं, शिव के मंदिर के पास दिन रात पड़ा रहेगा, तब क्या है शिव स्वप्नादेश में कुछ बोल देते कि ऐसा करने से तुम्हारी शूल वेदना अच्छी हो जाएगी। तो बहुत लोग ऐसा होता, माँ ने भी वहाँ जो जयराम सिंह वाहिनी पास हत्या दी थी, और माँ को भी दवाई मिली थी, अब जो माँ की जीवनी पढ़ेंगे पता लगेगा। तो कहते ब्राह्मण ने हत्या दी तो शिव ने कहा कि तुम जो भंगी है ना, जो नीच जाति का, उनका झूठा खाओगे ना तो तुम्हारी ये शूल वेदना चली जाएगी। अब वो उसका झूठा खाओगे तो उसकी जाति चली जाएगी। उसने आकर पंडितों को बोला कि देखिए मैं जो ये झूठा खाऊंगा आप तो मुझे ब्राह्मण जाति से निकाल देंगे, और मैं नहीं खाऊंगा तो शिव का आदेश पालन नहीं होगा। इसने कहा तुम झूठा खाओगे तुम्हारी शूल वेदना चले जाएगी, अब क्या करें। अब ब्राह्मण लोग तो सोच में पड़ गए, कोई के शिव की आज्ञा पालन करो, शिव की आज्ञा पालन करने से तो भंगी का झूठा खाना पड़ेगा तो फिर जात चली जाएगी, तब तो जात पात का तो बहुत था, तो इसमें कोई क्या है कोई निर्णय नहीं ले सक रहा है कि क्या करे। कोई बोले शिव की आज्ञा पालन करो, कि वो बोले नहीं नहीं शिव की आज्ञा पालन करने से फिर तुम्हें जात चले जाएगी। तो ठाकुर जी बहुत छोटे थे, वो आ गए, उसने कहा सरल बात है, समाधान बहुत सरल, क्या है वो जगन्नाथपुरी में चले जाए। जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी का झूठा, वो जो भंगी सब लोग एक साथ खाते, वहाँ कोई क्या है, वो जो वहाँ जो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद जहाँ बांटा जाता है ना, सब लोग एक पत्तल में खा सकते, वो कभी झूठा नहीं होता, वहाँ जात पात जाती नहीं। तो ठाकुर ने कहा ब्राह्मण वहाँ चला जाए और वो जो जगन्नाथ का महाप्रसाद भंगी का झूठा भी खाएगा, कोई उसकी जात नहीं जाएगी और उसका शूल वेदना भी अच्छा हो जाए। सब वाह वाह करने लगे। देखिए
तो ये यहाँ कहते कि ये सब जो आते हैं ठाकुर जी भगवान स्वयं हमको राह दिखाते हैं कैसी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ कहते हैं कि माँ गंगा को सरस माँ सीता प्रार्थना करती है। यहाँ कहते कि सुनी सिय बिनय प्रेम रस सानी भय तब बिमल बारी बनानी। गंगा से वाणी उत्पन्न हुई, आप सोचिए गंगा बोलने लगी। कहते जब सीता ने प्रार्थना की तो गंगा में से आवाज आई। क्या आवाज आई? यहाँ लिख रहे सुनु रघुवीर प्रिया वै देही, सुनु रघुवीर प्रिया वै देही, तव प्रभाव जग विदितन के ही, तव प्रभाव जग विदितन के ही, लोकप होइ विलोकत तोरे, लोकप होइ विलोकत तोरे, तेहि से वही सब सिद्धि कर झोरे, तेहि से वही सब सिद्धि कर झोरे, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुम ही जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की मोहि दिन बढ़ाई, कृपा की मोहि दिन बढ़ाई, कदपि देवी में देवी अशीषा, कदपि देवी में देवी अशीषा, सफल हो नहित निजवागीसा, सफल हो दहित निजवागीसा, सुनु रघुवीर प्रिया वै देही, सुनु रघुवीर प्रिया वै देही। माँ गंगा बोलने लगी, क्या बोलने लगी? कहते सुनु रघुवीर प्रिया वै देही, हे वै देही तव प्रभाव जग विदितन के, तुम्हारा प्रभाव पूरा जगत जानता है, लोकप होई विलोकत तोरे, किसी भी लोक के प्रति तुम्हारी दृष्टि हो जाए, कृपा दृष्टि, वो लोकपाल हो जाएगा, तो ही सेवही सब सिद्धि कर जोरी, अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। देखिए यहाँ कहते सृष्टि स्थिति पालन उद्भव स्थिति संहार कारिणी, ये जो सीता है ना इतनी शक्ति उसमें, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुम जो मुझे प्रार्थना कर रही हो विनती कर रही हो, कृपा किन्नी मोहि दिन्नी बढ़ाई, मुझे बड़े करने के लिए बड़ी करने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। देखिए भगवान हमको सिखाते, सीता माँ गंगा को प्रार्थना करती है, ये गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, माँ सीता भगवान राम की सहधर्मिणी है, उनकी स्वयं शक्ति है। गंगा कहती है कि आपने मुझे प्रार्थना करके बड़ाई प्रदान की, तदपि फिर भी जब तुम प्रार्थना करती हो ना मैं भी तुमको आशीर्वाद करती हूँ। क्या आशीर्वाद करती हूँ? कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। ये जो माँ सीता ने कहा कि मैं कुशल भाव से 14 साल के बाद दियर के साथ फिर के आऊँ, तो यहाँ कहते हैं प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आए, तुम देवर सहित कुशल वापिस आओगी, पूजी ही सब मन कामना सुजहु रहे जग साई, तुम्हारी मन कामना पूर्ण होगी और क्या होगा, तुम्हारा जो यश है ना वो जगत में छा जाएगा। देखिए ये माँ गंगा प्रार्थना करती है, और यहाँ कहते जब माँ गंगा का वचन सुना तो यहाँ कहते हैं गंगा वचन सुनी मंगल मूला, गंगा वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरी अनुकूला, मुदित सिया सुर सरी अनुकूला, गंगा वचन सुनी मंगल मूला, गंगा वचन सुनी मंगल मूला, सुनु रघुवीर प्रिया वै देही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ गंगा ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। यहाँ कहते हैं कि बहुत आनंद हुआ सीता को भी कि सुरसरी मेरे अनुकूल है। गंगा ने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, यहाँ माँ सीता को बहुत आनंद हुआ। तब प्रभु गृह कहेऊ घर जाऊ सुनत सुख मुख भार पूरा। निषाद राज गुह और उनके कुछ लोग उनके साथ थे। केवट ने तो भगवान राम को गंगा पार करवा दिया, निषाद राज गुह जो उनका जो दोस्त है, उनका सखा है भगवान राम का, वो भगवान राम के साथ साथ है। तो भगवान राम ने गंगा में स्नान किया, सीता ने भी स्नान करके प्रार्थना की। अब कहते हैं कि भगवान राम ने निषाद गुह को कहा, तब प्रभु गुह ही कहे घर जाओ, तुम अब घर चले जाओ। यहां कहते सुनत सुख मकु भा उर्दा, उसके हृदय में दाह होने लगा और मुख सूख गया। भगवान ने जब कहा तुम घर जाओ, दीन वचन गृह कर जोरी बिनय सुनऊ रघुकुल मणि मोरी। यहाँ कहते हैं कि निषाद राज गुह भगवान को प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना करता है? दीन वचन गुह कह कर जोरी, दीन वचन गुह कर जोरी विनय सुनहु रघु कुलमणि तो मोरी, विनय सुनहु रघु कुलमणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारी चरण सेव कहाई, कर दिन चारी चरण सेव कहाई। जेही बन जाही रहो रघुराई, जेही बन जाही रहो रघुराई, पर्ण कूटि में करवि सुहाई, पर्ण कूटि में करवि सुहाई। तब मोहि कह जस देवर जाई, तब मोहि कह जस देवर जाई। सोई करी हऊ रघुवीर दुहाई, सोई करी हऊ रघुवीर दुहाई। दीन वचन गुह कर झोरी, दीन वचन कह कर झोरी, दीन वचन गुह कह कर झोरी, दीन वचन गुह कह कर झोरी। गुरु राजा ने भगवान को दो हाथ जोड़ दिया और कहा, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। नाथ साथ रही पंथु देखाए, देखिए ये जंगल में तो आपको पथ की पता नहीं, रास्ता का पता नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा के जाऊंगा। नाथ साथ रही पंथु करी दिन चारी चरण सेवकाए, और भी कुछ दिन आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूँ। जेही बन जाही रहव रघुराई, पर्ण कुटी में कर विश्वास, आप जहाँ रहेंगे आपकी जो पर्ण कुटी में बना दूंगा। आप कितने दिन चलते रहेंगे, आप कहीं जाके एक जगह ढूंढ कर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर रह जाइए, मैं आपको पर्ण कुटी बना दूंगा, वहीं आप रह के विश्राम कीजिए। हैं और कितने दिन चलते रहेंगे, कोई एक जगह आप जाएंगे बोलेंगे मैं यहाँ रहूँगा, मैं आपको पर्णकुटी बना दूंगा। यहाँ कहते तब मोही कह जाही देव रजाई, मैं आपको सेटल करके जाऊँगा। ठीक है, देखिए ये जो उनका दोस्त है ना,
वो भगवान को सेटल करना चाहता है कि आप जाइए, आपका मैं घर बना दूंगा, आप रहेंगे, बाद में फिर जाऊंगा। देखिए, हम सेटल होने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए, भगवान का जो दोस्त निशाद, वो भगवान को सेटल करना है। आप सेटल हो जाए, बाद में चलाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ कहते हैं कि तब मोई कज सी देव रजाई सोये करु रघुवीर दुहाई। अरे भगवान राम, राम भी देखिए राजी हो गए। कहते सहज सने राम लकी तासु संग लीन गु हृदय हुला। ठीक है मेरे साथ, और बहुत आनंद होगा। देखिए ये निषाद राज गुह कितना पुण्यवान है, भगवान के प्रति उनकी कितनी भक्ति है। हमने देखा भगवान जब अयोध्या से निकले, उनके साथ पूरे नगरवासी सब पीछे पीछे, हम सब साथ जाएंगे, भगवान ने किसी को साथ नहीं लिया। सुमंत्र मंत्री भी कहता था मैं आपके साथ हूँ, नहीं लिया। माँ कौशल्या कहती थी मुझे साथ ले लो, माँ नहीं लिया। एक गुह निषाद राज गुह, वो कहते कि बहुत जाति उसकी नीच थी, बाद में हम देखेंगे। देखिए ये नीच जाति का उनका हजूर भगवान उसको गले लगाते, हम बाद में देखेंगे। जब भरत के साथ वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं तो गुहो राजा ये कहते कि इतनी नीची जाति के थे कि उनकी जो परछाई भी किसी के स्पर्श हो जाए तो वो अपने आप को ये सब ब्राह्मण मुनि समझते थे कि वो अपवित्र हो, उनकी सिर्फ परछाई किसी को स्पर्श हो जाए, उसका स्पर्श की बात छोड़ दिए, उनकी परछाई भी स्पर्श तो अपवित्र समझ। तो ये सब लोग क्या दूर से प्रणाम करते थे तो स्पर्श नहीं करते थे। हम देखेंगे जब वशिष्ठ मुनि को ये निषाद गुरु प्रणाम कर दूर से वो दंडवत प्रणाम किया, वशिष्ठ मुनि ऐसे आशीर्वाद दिया। लेकिन भरत ने पूछा ये कौन है, भगवान राम का सखा। सखा कहते कि वशिष्ठ मुनि और भरत रथ में बैठे थे, वो रथ से भरत उछल पड़े, वो उसने वहां से छलांग लाके दौड़कर उसको गले लगा दिया। देखिए राम, भगवान राम का सखा, राम का दोस्त। देखिए राम ने भी गले लगाया, भरत भी गले लगाते उसको, क्योंकि राम का सखा है। लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या करते, ऐसे ऐसे आशीर्वाद करते। लेकिन बाद में वशिष्ठ मुनि को पता लग गया कि ये मेरी गलती है। बाद में हम देखते हैं जब दूसरी बार जब प्रणाम करता है, जब राम भरत का मिलन होता है ना, उधर प्रणाम करते हैं, तब वशिष्ठ मुनि गले लगा रहे थे। देखिए भगवान जिसको गले लगाते हैं, भगवान जिसको सखा कहकर जिसको प्यार करते, उनको कौन प्यार नहीं करेगा, बोली वो तो धन्य हो गया ना। यहाँ कहते हैं कि ये उनका दोस्त को कितनी चिंता है भगवान की, कि वन में आप रहेंगे, मैं आप साथ रहूँगा, आपका घर बना दूंगा, पर्णकुटी बना दूंगा, फिर आप बोलेंगे मैं जाऊंगा। तो यहाँ कहते सहज स्नेह राम लखी तासु संग लीन गुह हृदय हुलासु। संग ले लिया, बहुत आनंद आ गया। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन ने करी परिते सुविदात्व किन। उनके जो जाति के उनके साथ लोग थे सबको विदाई किया, तुम चले जाओ, मैं भगवान राम के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ कहते तब गुणपति शिव सुमिरि प्रभु नाई सुर सर ही माथ सखा अनुज सिय सहित बन गवन किन रघुनाथ। भगवान ने गणपति शिव को स्मरण किया, माँ गंगा को, प्रभु नाई सुर सर ही ना माथ अपना मस्तक नमाया गंगा को, और फिर सखा अनुज सिय सहित बन, सखा उनका दोस्त निषाद गु है, लक्ष्मण है और सीता, सीता के साथ बन गवनु किन रघुनाथ। भगवान राम उनके साथ वन गमन करते। देखिए ये निषाद राज का कितना भाग्य है, भगवान के साथ जा रहे। और यहाँ कहते प्रात प्रात कृत करी रघुराई तीर्थ राजु दिख प्रभु जाई। उस दिन के तेही दिन भयो विटप तरबासु लखन सखा सब किन सुपासु। भगवान राम ने वो पेड़ के नीचे विश्राम किया, वो दूसरे दिन प्रातिकित करके वो जा रहे, कहाँ तीर्थ राजु दिख प्रभु जाई।
भगवान राम जा रहे प्रयाग देखने के लिए। प्रयाग में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, जो हम जाएंगे तो वहाँ देख गंगा यमुना का मिलन देख सकते। गंगा का पानी सफ़ेद है, यमुना का पानी काला, जहाँ मिलन होता है संगम कहते हैं। और सरस्वती के अंत सरीला नीचे से बैठे, तो ये त्रिवेणी संगम कहते हैं, प्रयागराज तीर्थ कहते हैं। प्रयागराज तीर्थ कैसा है कि तीर्थों का राज है, तीर्थ राज। तीर्थ राज दिख प्रभु जाई, भगवान जाना चाहे तीर्थ राज प्रयाग में। जो कहते चारी पदार्थ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देख अति चारो। प्रयागराज तीर्थ चार पदार्थ दे सकते, कहीं कहीं मुक्ति मोक्ष मिलता है, ठीक है ना। कुछ कुछ नगरी है मोक्षदायिनी, द्वारका है, उज्जैनी है, ये सब क्या है मोक्षदायिनी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका ये सब मोक्षदायिनी। लेकिन यहाँ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलता है, जो कुछ मांगेंगे। कहते चारी पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारू, ये प्रयागराज तीर्थ है न, सबको जो जो चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रदान। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता और सखा के साथ प्रयागराज तीर्थ आते हैं। ये चर्चा हम फिर आगे बढ़ाएंगे, अब सब मिलकर हम सब लोग राम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदय, हर हर महादेव हर।